अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल के ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं। आज के दिन आपको ड्रामा से तिनके का सहारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि वासे की ज़िंदगी और मौत कश्मकश में आ गया है, यानी जो कुछ वासे से अचानक तौर पे हो चुका हमाद की डेथ हो जाने के बाद, यानी कदर तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगी हमाद के कातिल को और ना ही उसकी वालदा। लेकिन कदर की बहन उसके पास आती है, उसे यही पूछती है कि हो सकता है तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे देवर ने कोई ना कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया हो, कोई सौदेबाजी कर ली और तुम्हें इलम भी ना हो, और ऐसा ही हो रहा है। यानी कदर का जो देवर है उसने कोई ना कोई पैसा सोचने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद उसकी बीवी उसको उकसाएगी और यही करेगी कि हम इस मौके को जहाज से क्यों जाने दें, इतना अच्छा हमारे पास मौका आया, इतनी अच्छी ऑफर लेके आए वासे की बहन हमारे पास, तो हम इस मौके को क्यों हाथ से जाने दें, आप थोड़ा अकलमंदी से काम लें। ये बात सुन के उसको कुछ समझ नहीं आया, जिसके बाद वहीं पर उन हमाद की वालदा आ जाएंगे। वो यही कहेंगे कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये फैसले का इख्तियार मैं रखती हूँ, तुम लोग नहीं रखते, और मैं अपने बेटे के कातिल का कभी बदला ऐसे ही लूंगी, वो उसको भी कत्ल कर दिया जाए, मैं उसको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी, कत्ल का बदला कत्ल ही होगा। ये सब कुछ हो जाने के बाद जबकि दूसरी तरफ कदर भी कभी भी माफ़ नहीं करेगी, वो भी बदला लेके ही रहेगी। वासे बहुत मुश्किल कश्मकश में आ गया है, लेकिन दुरिया उसको पूरा पूरा साथ देगी और वासे के पास उसको बेटी को मिलवाने के लिए लाएगी और यही कहेगी वासे से कि वासे तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तक मेरी सांसें हैं मैं तुम्हारा हर कदम पर आखिरी दम तक साथ दूँगी और तुम्हें यहाँ से निकालने की भी भरपूर कोशिश करूँगी। और जबकि उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है वासे की, जिसके बाद वासे की बहन को दुरिया यही कहेगी कि पैसे का कोई नेमत बदल नहीं, पैसे सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, ख़ास तौर पर एक इंसान की जान ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और बहुत अहम रिश्ते होते हैं। यानी हो सकता है नाज़रीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि वासे की बीवी यानी दुरिया कदर के पास जाएगी, उससे रिक्वेस्ट करेगी, मिन्नत समाजत करेगी, उसे यही एहसास दिलाएगी कि जिस तरह हमारा तुम्हारा हस्बैंड था इसी तरह वासे मेरा हस्बैंड है और बच्ची का बाप है, और कदर को फिर तर्स आ जाएगा, रहम आ जाएगा और वो हो सकता है फिर माफ़ कर दे और इस तरह से फिर वासे बाहर आ जाए। ड्रामा से तिनके का सहारा नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से तिनके का सहारा नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी किन तरह का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अपने हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नफ़ा सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल के ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं। आज के दिन आपको ड्रामा से तिनके का सहारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि वासे की ज़िंदगी और मौत कश्मकश में आ गया है, यानी जो कुछ वासे से अचानक तौर पे हो चुका हमाद की डेथ हो जाने के बाद, यानी कदर तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगी हमाद के कातिल को और ना ही उसकी वालदा। लेकिन कदर की बहन उसके पास आती है, उसे यही पूछती है कि हो सकता है तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे देवर ने कोई ना कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया हो, कोई सौदेबाजी कर ली और तुम्हें इलम भी ना हो, और ऐसा ही हो रहा है। यानी कदर का जो देवर है उसने कोई ना कोई पैसा सोचने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद उसकी बीवी उसको उकसाएगी और यही करेगी कि हम इस मौके को जहाज से क्यों जाने दें, इतना अच्छा हमारे पास मौका आया, इतनी अच्छी ऑफर लेके आए वासे की बहन हमारे पास, तो हम इस मौके को क्यों हाथ से जाने दें, आप थोड़ा अकलमंदी से काम लें। ये बात सुन के उसको कुछ समझ नहीं आया, जिसके बाद वहीं पर उन हमाद की वालदा आ जाएंगे। वो यही कहेंगे कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये फैसले का इख्तियार मैं रखती हूँ, तुम लोग नहीं रखते, और मैं अपने बेटे के कातिल का कभी बदला ऐसे ही लूंगी, वो उसको भी कत्ल कर दिया जाए,
मैं उसको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, कत्ल का बदला कत्ल ही होगा। ये सब कुछ हो जाने के बाद जबकि दूसरी तरफ कदर भी कभी भी माफ़ नहीं करेगी, वो भी बदला लेके ही रहेगी। वासे बहुत मुश्किल कश्मकश में आ गया है, लेकिन दुरिया उसको पूरा पूरा साथ देगी और वासे के पास उसको बेटी को मिलवाने के लिए लाएगी और यही कहेगी वासे से कि वासे तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मेरी सांसें हैं मैं तुम्हारा हर कदम पे आखिरी दम तक साथ दूंगी और तुम्हें यहाँ से निकालने की भी भरपूर कोशिश करूंगी। और जबकि उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है वासे की, जिसके बाद वासे की बहन को दुरिया यही कहेगी कि पैसे का कोई नेमत बदल नहीं, पैसे सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, ख़ास तौर पर एक इंसान की जान ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और बहुत अहम रिश्ते होते हैं। यानी हो सकता है नाजिन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि वासे की बीवी यानी दुरिया कदर के पास जाएगी, उससे रिक्वेस्ट करेगी, मिन्नत समाजत करेगी, उसे यही एहसास दिलाएगी कि जिस तरह हमारा तुम्हारा हस्बैंड था इसी तरह वासे मेरा हस्बैंड है और बच्ची का बाप है। और कदर को फिर तरस आ जाएगा, रहम आ जाएगा और वो हो सकता है फिर माफ़ कर दे और इस तरह से फिर वासे बाहर आ जाए। ड्रामा से तिनके का सहारा नाजिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से तिनके का सहारा नाजिन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अपने हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड नाजिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल की ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं। आज के दिन आपको ड्रामा से तिनके का सहारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाजिन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि वासे की ज़िंदगी और मौत कश्मकश में आ गया है, यानी जो कुछ वासे से अचानक तौर पर हो चुका हमाद की डेथ हो जाने के बाद, यानी कदर तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगी हमाद के कातिल को और ना ही उसकी वालदा। लेकिन कदर की बहन उसके पास आती है, उसे यही पूछती है कि हो सकता है तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे देवर ने कोई ना कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया हो, कोई सौदेबाजी कर ली और तुम्हें इलम भी ना हो। और ऐसा ही हो रहा है, यानी कदर का जो देवर है उसने कोई ना कोई पैसा सोचने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद उसकी बीवी उसको उकसाएगी और यही करेगी कि हम इस मौके को जहाज से क्यों जाने दें, इतना अच्छा हमारे पास मौका आया, इतनी अच्छी ऑफर लेके आए वासे की बहन हमारे पास, तो हम इस मौके को क्यों हाथ से जाने दें, आप थोड़ा अकलमंदी से काम लें। ये बात सुन के उसको कुछ समझ नहीं आया, जिसके बाद वहीं पर उन हमाद की वालदा आ जाएंगे, वो यही कहेंगे कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये फैसले का इख्तियार मैं रखती हूँ, तुम लोग नहीं रखते, और मैं अपने बेटे के कातिल का कभी बदला ऐसे ही लूंगी, वो उसको भी कत्ल कर दिया जाए, मैं उसको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी, कत्ल का बदला कत्ल ही होगा। ये सब कुछ हो जाने के बाद जबकि दूसरी तरफ कदर भी कभी भी माफ़ नहीं करेगी, वो भी बदला लेके ही रहेगी। वासे बहुत मुश्किल कश्मकश में आ गया है, लेकिन दुरिया उसको पूरा पूरा साथ देगी और वासे के पास उसको बेटी को मिलवाने के लिए लाएगी और यही कहेगी वासे से कि वासे तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मेरी सांसें हैं मैं तुम्हारा हर कदम पर आखिरी दम तक साथ दूंगी और तुम्हें यहाँ से निकालने की भी भरपूर कोशिश करूंगी। और जबकि उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है वासे की, जिसके बाद वासे की बहन को दुरिया यही कहेगी कि पैसे का कोई नेमत बदल नहीं, पैसे सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, ख़ास तौर पर एक इंसान की जान ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और बहुत अहम रिश्ते होते हैं। यानी हो सकता है नाजिन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि वासे की बीवी यानी दुरिया कदर के पास जाएगी, उससे रिक्वेस्ट करेगी, मिन्नत समाजत करेगी, उसे यही एहसास दिलाएगी कि जिस तरह हमारा तुम्हारा हस्बैंड था इसी तरह वासे मेरा हस्बैंड है और बच्ची का बाप है। और कदर को फिर तरस आ जाएगा, रहम आ जाएगा और वो हो सकता है फिर माफ़ कर दे और इस तरह से फिर वासे बाहर आ जाए। ड्रामा से तिनके का सहारा नाजिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से तिनके का सहारा नाजिन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अपने हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम
अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल के ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं। आज के दिन मैं आपको ड्रामा से तिनके का सहारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि वासे की ज़िंदगी और मौत कश्मकश में आ गया है, यानी जो कुछ वासे से अचानक तौर पर हो चुका हमाद की डेथ हो जाने के बाद, यानी कदर तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगी हमाद के कातिल को और ना ही उसकी वालदा। लेकिन कदर की बहन उसके पास आती है, उसे यही पूछती है कि हो सकता है तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे देवर ने कोई ना कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया हो, कोई सौदेबाजी कर ली और तुम्हें इलम भी ना हो, और ऐसा ही हो रहा है। यानी कदर का जो देवर है उसने कोई ना कोई पैसा सोचने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद उसकी बीवी उसको उकसाएगी और यही करेगी कि हम इस मौके को जहाज से क्यों जाने दें, इतना अच्छा हमारे पास मौका आया, इतनी अच्छी ऑफर लेके आए वासी की बहन हमारे पास, तो हम इस मौके को क्यों हाथ से जाने दें, आप थोड़ा अकलमंदी से काम लें। ये बात सुन के उसको कुछ समझ नहीं आया, जिसके बाद वहीं पर उन हमाद की वालदा आ जाएंगे, वो यही कहेंगे कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये फैसले का इख्तियार मैं रखती हूँ, तुम लोग नहीं रखते, और मैं अपने बेटे के कातिल का कभी बदला ऐसे ही लूंगी, वो उसको भी कत्ल कर दिया जाए, मैं उसको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी, कत्ल का बदला कत्ल ही होगा। ये सब कुछ हो जाने के बाद जबकि दूसरी तरफ कदर भी कभी भी माफ़ नहीं करेगी, वो भी बदला लेके ही रहेगी। वासे बहुत मुश्किल कश्मकश में आ गया है, लेकिन दुरिया उसको पूरा पूरा साथ देगी और वासे के पास उसको बेटी को मिलवाने के लिए लाएगी और यही कहेगी वासे से कि वासे तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तक मेरी सांसें हैं मैं तुम्हारा हर कदम पर आखिरी दम तक साथ दूँगी और तुम्हें यहाँ से निकालने की भी भरपूर कोशिश करूँगी। और जबकि उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है वासे की, जिसके बाद वासे की बहन को दुरिया यही कहेगी कि पैसे का कोई नेमत बदल नहीं, पैसे सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, ख़ास तौर पर एक इंसान की जान ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और बहुत अहम रिश्ते होते हैं। यानी हो सकता है नाज़रीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि वासे की बीवी यानी दुरिया कदर के पास जाएगी, उससे रिक्वेस्ट करेगी, मिन्नत समाजत करेगी, उसे यही एहसास दिलाएगी कि जिस तरह हमारा तुम्हारा हस्बैंड था इसी तरह वासे मेरा हस्बैंड है और बच्ची का बाप है, और कदर को फिर तरस आ जाएगा, रहम आ जाएगा और वो हो सकता है फिर माफ़ कर दे और इस तरह से फिर वासे बाहर आ जाए। ड्रामा से तिनके का सहारा नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से तिनके का सहारा नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अपने हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नफ़ सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की खराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल के ट्विस्ट से भरपूर होने वाली हैं। आज के दिन मैं आपको ड्रामा से तिनके का सहारा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तिनके का सहारा की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि वासे की ज़िंदगी और मौत कश्मकश में आ गया है, यानी जो कुछ वासे से अचानक तौर पर हो चुका हमाद की डेथ हो जाने के बाद, यानी कदर तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगी हमाद के कातिल को और ना ही उसकी वालदा। लेकिन कदर की बहन उसके पास आती है, उसे यही पूछती है कि हो सकता है तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे देवर ने कोई ना कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया हो, कोई सौदेबाजी कर ली और तुम्हें इलम भी ना हो, और ऐसा ही हो रहा है। यानी कदर का जो देवर है उसने कोई ना कोई पैसा सोचने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद उसकी बीवी उसको उकसाएगी और यही करेगी कि हम इस मौके को जहाज से क्यों जाने दें, इतना अच्छा हमारे पास मौका आया, इतनी अच्छी ऑफर लेके आए वासे की बहन हमारे पास, तो हम इस मौके को क्यों हाथ से जाने दें, आप थोड़ा अकलमंदी से काम लें। ये बात सुन के उसको कुछ समझ नहीं आया, जिसके बाद वहीं पर उन हमाद की वालदा आ जाएंगे, वो यही कहेंगे कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये फैसले का इख्तियार मैं रखती हूँ, तुम लोग नहीं रखते, और मैं अपने बेटे के कातिल का
कभी बदला ऐसे ही लूंगी, वो उसको भी कत्ल कर दिया जाए, मैं उसको कभी भी माफ नहीं करूंगी, कत्ल का बदला कत्ल ही होगा। ये सब कुछ हो जाने के बाद जबकि दूसरी तरफ कदर भी कभी भी माफ नहीं करेगी, वो भी बदला लेके ही रहेगी, वासे बहुत मुश्किल कश्मकश में आ गया है, लेकिन दुरिया उसको पूरा पूरा साथ देगी और वासे के पास उसको बेटी को मिलवाने के लिए लाएगी और यही कहेगी वासे से कि वासे तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तक मेरी सांसें हैं मैं तुम्हारा हर कदम पे आखिरी दम तक साथ दूंगी और तुम्हें यहाँ से निकालने की भी भरपूर कोशिश करूंगी। और जबकि उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है वासे की, जिसके बाद वासे की बहन को दुरिया यही कहेगी कि पैसे का कोई नेमत बदलने नहीं, पैसे सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, ख़ास तौर पर एक इंसान की जान ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और बहुत अहम रिश्ते होते हैं। यानी हो सकता है नाजिन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि वासे की बीवी यानी दुरिया कदर के पास जाएगी, उससे रिक्वेस्ट करेगी, मिन्नत समाजत करेगी, उसे यही एहसास दिलाएगी कि जिस तरह हमारा तुम्हारा हस्बैंड था इसी तरह वासे मेरा हस्बैंड है और बच्ची का बाप है, और कदर को फिर तरस आ जाएगा, रहम आ जाएगा और वो हो सकता है फिर माफ़ कर दे और इस तरह से फिर वासे बाहर आ जाए। ड्रामा से तिनके का सहारा नाजिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से तिनके का सहारा नाजिन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अपने हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।